घनी वक्त चर्चा में लोकशाही खूब ऊंची ऊंची मोटी मोटी बातों विरोध पक्ष करे छे। विरोध पक्ष ना नेता श्री विधानसभा में हाजर होवा छता आज ना पहला दिवसे राष्ट्रगीत शुरू थाय एमा पण गैरहाजर हता। लोकशाही जो आपणे बातों करता होइए तो एनु संपूर्ण पालन पण करवू जोईए। विरोध पक्षे माननीय गवर्नर साहेबनु विद्वत्तापूर्ण प्रवचन सांभळ्यु होत तो सारू हतु। विरोध करवाना घणा दिवसो होय छे, घणी तक मळती होय छे। देश हित अने देशनी सुरक्षा ने ध्यान में राखीने बन्ने गृहों में विशद चर्चा विचारणाना अंते पसार थयेल CAA कायदो करवा बदल केन्द्र सरकार ने माननीय वडाप्रधान श्री अने माननीय गृहप्रधान श्री ने धन्यवाद अने आभार व्यक्त करतो प्रस्ताव पण करवा माटे आजनो आ दिवसनो सत्र छे। आजे गवर्नर साहेब उद्बोधन माटे आव्या। लोकशाही ने शरम आवे एवी रीते मान्य गवर्नर साहेब ना भाषण अने उद्बोधनों शुरुआत थी ज विरोध करवामां आव्यो। मारे विरोध पक्ष ने नम्रतापूर्वक कहेवुं छे के तमने आगामी लांबा बजेट सत्र में संपूर्णपणे तमे इच्छो ए रीते एवा प्रश्नों रजू करवानी संपूर्ण तक छे। आ सिवाय पण एमणे उपस्थित करेला प्ले कार्डनु असिस्त करीने बतावेला तमाम मुद्दाओनो अमारा कंसर्न मिनिस्टरोए लंबाणपूर्वक सचोट जवाब पण आप्यो छे। आ संजोगोमां माननीय गवर्नर साहेबना वक्तव्य पूर्ति पण तमे शिस्त जाळवी होत तो सारू हतु। विधानसभानी अंदर सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून ने लई सरकारनी वाहवाही करवा माटेनो राजकीय प्रस्ताव विधानसभामां लावानो प्रयास कर्यो छे। गईकाले कामकाज सलाहकार समिति में खूब विस्तृत चर्चा करीने कीधुं हतुं के नागरिकता संशोधन कानून ए देशनी पार्लामेंटनो बिजनेस छे। निचला गृह अने उपला गृहे बहुमतीए बिल पसार कर्युं छे। आ बिलने वैधानिक रीते विधानसभामां संमति आपवी जरूरी छे के केम एनो सरकार स्पष्टता करे अने जो वैधानिक रीते विधानसभाए समर्थन आपवानुं थतुं होय तो आ सरकारी प्रस्ताव ए वैधानिक प्रस्ताव तरीके विधानसभामां आवे। कांग्रेस पक्ष एमां पोताना विचारो रजू करशे। कमनसीबे वैधानिक जरूरियात होवानुं नहीं स्वीकारनारी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार आज आर्थिक मंदी, मोंघवारी, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, खेडूतोनी समस्याओ, बाळ मृत्यु, बलात्कार सहितना मुद्दाओथी गुजरातना लोकोनुं ध्यान भ्रमित करवा माटे मुसलमानोने मोरो बनावी भाजप विरुद्धना तमाम भारतीयोनी नागरिकता छीनववानुं आ षड्यंत्र एनी वाहवाही करवानो विधानसभामां जो प्रयास करशे तो कांग्रेस पक्ष એમાં અસંમતિ પ્રગટ કરી છે। દિલ્હીના દરબારથી લઈ અને ગુજરાતના ગામડા સુધી કોંગ્રેસ પક્ષ પૂજ્ય બાબા સાહેબે ઘડેલા સંવિધાનથી વિરુદ્ધ ગેરસંવિધાનિક રીતે બહુમતીના બળે પસાર થયેલા કાયદાનો વિરોધ કરશે। રખેને આવતા દિવસોમાં નાગરિકતા સંશોધન કાનૂન NRC અને NPR જો આ દેશમાં બળજબરીથી લાગુ કરવામાં આવશે તો મને લાગે છે કે આ નાગરિકતા સંશોધન કાનૂનથી આ દેશના લોકોની નાગરિકતા સુરક્ષિત કરવાના બદલે
એની નાગરિકતા ઉપર સવાલ ઉઠાવી નાગરિક અધિકારોથી ભાજપ વિરુદ્ધના લોકોને દેશ નિકાલની સજા આપવાનું ષડયંત્ર છે. એના મતના મૂલ્યને ઝીરો કરી આ સંવિધાનના પગથિયે ફૂલેલી ફાલેલી લોકશાહીને ફરી પાછી ગુલામીમાં ધકેલવાનું આ શસ્ત્ર એવું નાગરિકતા સંશોધન કાનૂન એનઆરસી અને એનપીઆરનો કોંગ્રેસ પક્ષ વિધાનસભાની અંદર અને વિધાનસભાની બહાર રચનાત્મક વિપક્ષ તરીકે આક્રમકતાથી વિરોધ કરશે.